सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज समाद्रिता एंड वेलकम टू माय चैनल। सो जस्ट हम लोग उठे हैं, आदि को मैंने ब्रेकफास्ट करवा के सुला दिया है और हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको और दिन शुरू करते हैं। गाइस, ये है आज का देसी ब्रेकफास्ट, ये है मेरा काढ़ा एज यूजुअल, और ये है मिठाई जो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा हुआ है, डेजर्ट ट्रीट, बंगाली डेजर्ट ट्रीट। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, प्लीज़ चेक आउट माय लिंक, मैं लिंक अपने राइट साइड में डाल दूंगी ताकि आप क्विकली रेफर कर सके। और ये है आलू की सब्जी और ब्रेड जिसमें मैंने चीज़ डाला हुआ है, और ये कुछ नारियल है जो कि हम लोग ग्रेट कर लिए हैं, उसमें थोड़ा चीनी भी डाल दिया है, तो टेस्ट गुड। तो चलिए ये ख़त्म करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आदु। गुड मॉर्निंग, 1 2 3 से गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू ऑल। आई जस्ट वोक अप, आई ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट, हाउ इज योर डे गोइंग, डू यू लाइक सीइंग मी इन मामाज व्लॉग्स, प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ आदु? Are you going to play or are you going to take a shower? Do you want to take a shower? Yeah, we will take a shower now. Abhi hum log nahayenge. Theek hai. Chalo hum log, good morning ho gaya hamara, abhi ja rahe hain hum log nahane. हम लोगों ने नहा लिया है, हम लोग फ्रेश हो गए हैं। जैसे कि आपने देखा है कि आज हमने ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग कपड़े धोने में बिजी थे, बहुत सारे कपड़े हो गए थे और आज धुलने ही थे, नहीं तो कपड़े पड़े पड़े फंगस लग जा रहा था उसमें। और चलिए आपसे मिलते हैं फिर शाम को, अभी हम लोग सोने वाले हैं। आदि के लिए मैंगो जूस बना रही हूँ। मैंने चम्मच से ही मैंगो को अच्छे से पील कर लिया और छोटे छोटे पीसेस मैंने ग्राइंडर में डाल लिया। अब मैं अच्छे से ग्राइंड करने वाली हूँ, फिर अपना मैंगो जूस रेडी। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 10 और हम लोग बहुत बोर हो रहे थे, एक्चुअली बहुत लेट हो गया है, फिर भी हम लोगों ने सोचा था चलो आज ईद है तो कुछ ईद स्पेशल डिनर बनाया जाए। सबको रेसिपी देखना है तो ब्लॉग पे बने रहिए और चलिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है रॉ फ्रोजन चिकन कीमा जो मेरे पास रेडीमेड था। आप चाहो तो अगर बाजार से जाके चिकन खरीद के उसको ग्राइंडर में या फिर कोई भी फूड प्रोसेसर में पेस्ट करके उसके बाद भी बना सकते हैं, तो वो सेम चीज़ ही होगा। तो बनाने के लिए हमें कुछ ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये है प्याज कटा हुआ, यहाँ पे 2.5 प्याज है, यहाँ पे थोड़ा गार्लिक ले लिया है, अदरक, ये मिर्ची और ये एक टमाटर चॉप्ड, और ये जो आप पीसेस देख रहे हैं ये भी अदरक है, हम लोग इसको पेस्ट करने वाले हैं, इसके बाद यूज़ करेंगे। तो ये हम लोग कुछ मसाले यूज़ कर रहे हैं, ये है नमक, ये है हल्दी, जीरा पाउडर, हम लोग धनिया पाउडर यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ये चिली पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर, ये है तेज़पत्ता, ये है कसूरी मेथी, होल जीरा, ये है दालचीनी, इलायची और एसाफोटिडा हींग। तो ये पैन हमारा गरम हो गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, लगता है इतना ऑयल अभी के लिए काफ़ी है, बाद में अगर चाहिए होगा तो हम लोग डालेंगे। तो ये हमारा तेल गर्म हो गया है, अभी इसमें मैं डालने वाली हूँ तेज पत्ता, जीरा, फिर इलायची, दालचीनी और लौंग। तो ये हमारे स्पाइसेस हो गए हैं, अभी मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, और मैं साथ में यहाँ पर जो जीरा गार्लिक पेस्ट है वो भी डाल दूँगी साथ में मिक्स के लिए।
इसमें मैं डाल रही हूँ हींग, थोड़ा सा हींग, फिर इसको हम दोबारा चलाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक, ऑनियन की गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग इसको पकाएंगे और जब तक कि जिंजर गार्लिक पेस्ट का स्मेल नहीं चला जाता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि प्याज अभी गोल्डन ब्राउन हो गया है, अभी इसमें मसाले डालने वाली हूँ सारे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हल्दी, ये गया लाल मिर्च, ये जीरा पाउडर और ये गरम मसाला। तो ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कितना आप स्पाइसेस पसंद करते हैं। तो सभी स्पाइसेस को अभी हम लोग मिक्स करने वाले हैं। ये जब पक जाएगा इसके बाद चिकन डालेंगे। तो हमारे स्पाइसेस अच्छे से कुक हो गए हैं, अभी ये चिकन जो रॉ चिकन कीमा है उसको मैं भी डाल देती हूँ। इसके बाद इसको अच्छे से पकाएंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक मेरा चिकन कीमा बॉईल हो रहा है, मैंने सोचा कि मेरा पराठा जो हम लोग इसके साथ खाने वाले हैं वो हम लोग बना लेते हैं। तो मैंने पैन गैस पर चढ़ा दिया है, उसको हम लोग गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे बटर। बटर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं पहला जो पराठा बनाने वाली हूँ उसके लिए मैं इतना बटर डाल रही हूँ। अभी इसको स्प्रेड कर रहे हैं। अभी मैं इसमें पराठा दोनों तरफ से सेक लूँगी, ऐसे गोल आप घुमा सकते हैं एंड दिस साइड। अगर आपका गर्म लगे तो आप करछी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो गया है जितना हमको चाहिए। तो बस हमारा पराठा रेडी है। इसके ऊपर अगर आप बटर लगाना चाहते हैं और तो वो आपके ऊपर है, नहीं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा चिकन कीमा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो हम लोग अभी डालने वाले हैं ये कटे हुए टमाटर। अभी इसको अच्छे से फिर से मिलाना है जब तक के टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग डालेंगे दही। टमाटर अभी सॉफ्ट हो गया है, अभी टाइम आ गया है हमारा दही डालने का। दही मैंने इतना सा डाला है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो जितना आपको खट्टा चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा ईद स्पेशल डिनर रेडी है। मेरी तरफ से ईद मुबारक।